देखिए, संतों ने इस बार अभी दिल्ली में सरकार को ये बात कही है कि अब हमको केवल मंदिर चाहिए और मंदिर के नाम पर किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में बहुमत ना होने का कारण बताया है, लेकिन संतों ने कहा है कि एक बार आप बिल लाइए, कम से कम ये तो स्पष्ट होगा कि कौन मंदिर के पक्ष में है और कौन विरोध में, और मंदिर के लिए कानून बनाकर मंदिर का निर्माण अब करा देना चाहिए। सर, चुनाव आ गया कि ऐसा नहीं, फिर चुनाव के लिए ही संतों को लॉलीपॉप दी जा रहा हो? देखिए, एक विश्वास होता है, हमने न्यायालय को भी समय दिया, हमने सरकारों को भी समय दिया है, और अब समय की अवधि भी पूरी हो गई है। केवल ये मानना कि वो लॉलीपॉप हमको दे रहे हैं, संतों को दे रहे हैं, तो संत इतने ऐसे भोले भाले नहीं है कि लॉलीपॉप में आ जाए। सर, स्वामी चिन्मयानंद ने कहा था कि कोर्ट अब तारीख पर तारीख दे रही है और अब हम कोर्ट के रुख का इंतजार करेंगे, मंदिर का काम शुरू। हाँ, कोर्ट ने अपना रुख दिखा दिया और कोर्ट ने कहा कि मंदिर हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ओके सर, तो अब कोर्ट के लिए धारा 377 महत्वपूर्ण हो सकता है, कोर्ट के लिए आतंकवादियों को फांसी ना दो, रात के 2-2 बजे भी कोर्ट उसके लिए खुल सकता है। तो कोर्ट अपनी विश्वसनीयता के बारे में विचार करें, और हम तो अब सीधे सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार इस संदर्भ में सीधे सीधे कानून बनाए, जैसे और भगवान सोमनाथ के मंदिर के निर्माण के लिए बनाया था, और कानून बनाकर मंदिर का निर्माण का मार्ग प्रशस्त करें। सर, कोयलगिरी है आपके